मम्मी जी वैसे बुरा मत मानना, आपका लड़का एक भी ढंग का काम नहीं करता है। पता है जब तक ऐसा ढंग की लड़की ना मिली। आपने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार देके भेजा है कि हम सब लोगों ने उसके साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लिया। अब जैसे सुबह खाना बनाने वाली नहीं आई, तो अगर वो सुबह उठेगी तो क्या बनाएगी नहीं, लेकिन जब वो सुबह उठ ही नहीं पाती है तो उसमें उसकी क्या गलती भाई बताइए। उसकी आंख खुलती है 11-12 बजे, तो ये थोड़ी ना है कि मतलब करना नहीं चाहती, करना चाहती लेकिन अब यही है कि उठने की समस्या है। कोई काम को मना नहीं करती, नहीं ना तो उसके मुंह से हमने सुना ही नहीं, बस ये कि बहाने इतने अच्छे बनाती है कि हम खुद ही नहीं करवाते उससे। एक बहाना रिपीट नहीं करती है, रोज नए 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 बहाने, इतने बढ़िया बहाने। सोशल सोशल आपकी बेटी से ज्यादा कोई होगा नहीं, इतनी सोशल है कि हर सोशल मीडिया पे उसका अकाउंट है। हमारे सारे रिश्तेदार उससे बहुत खुश हैं, कोई भी आता है तो समझिए उससे तो कोई नाराज होकर जा ही नहीं सकता है, क्योंकि भाई वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती किसी से मिलने के लिए, वो अपने अंदर कमरे में ही बैठी रहती है, तो जब वो मिलेगी नहीं तो लोगों को बुरा कहां से लगेगा। बहुत अच्छी उसकी बहुत अच्छी आदतें हैं, और हमें डर था कि शादी के बाद बेटा पराया हो जाएगा, लेकिन नहीं, शादी के बाद तो वो और मम्मी 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 करता रहता है, क्योंकि हर काम उसका हम ही करते हैं। है कि झूठ नहीं बोलती भाई, उसने आते ही हमको सब बता दिया था कि उसको कुछ ज्यादा काम करना आता नहीं, और जो जो उसकी समस्याएं हैं, जैसे दिवाली आ रही है तो घर की सफाई नहीं कर सकती, उसको डस्ट से एलर्जी है, बिल्कुल हमको मां मानती है, जैसे आपसे बहस करती होगी वैसे ही हमसे बहस कर लेती है। इसने समझिए घर को हमारे स्वर्ग बना दिया है, अब बस ये है कि किसी दिन हम लोग ना स्वर्गवासी बन जाए। हाँ चलिए भाभी जी, ओके नमस्ते नमस्ते। ला 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 ला, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम वालेकुम। बेटा आ गए नानी के यहाँ से? जब भी नानी के यहाँ से आते हैं ना, बच्चे बिल्कुल सूख कर आते हैं, कमजोर बिल्कुल। मुझे पता था सासू माँ तुम यही ताने मारोगे, इसलिए मैं अपने बच्चे तोल के लेके गई। हाँ भाई हूँ तो तोल के लाई, ये देखो बच्चे तोल लो, 200 ग्राम फालतू मिलेंगे, कम कोई नहीं होगा, बच्चे ले जाओ जल्दी तोल कर लाओ। सोनी छलेटियो जब भी अपने घर जाओ अपने बच्चे तोल के लेके जाना, ससुराल में आके तोल के दिखाना, देखो फालतू उन्होंने ताने मार दिए। भगवान जी प्लीज कोई ऐसा उपाय दे दो जिससे मैं ससुराल में सबको अच्छी लगूं और सासू माँ की फेवरेट हो जाऊं, प्लीज भगवान जी। पुत्री, पुत्री क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? हाँ भगवान जी आप बोल रहे हो? हाँ पुत्री, और एक उपाय भी है मेरे पास। बताइए भगवान जी क्या उपाय है? तुम्हें हर रोज सुबह 5 बजे उठना होगा। भगवान जी मैं ताने ही सुन लूंगी। सासू लड़ूंगी जरूर चाहे जान चली जावे, जैसे मूंग पली के दाने वैसे देवर जी के ताने, मैं तो मुंह को तोड़ूंगी जरूर चाहे जान चली जावे। सासू लड़ूंगी जरूर चाहे जान चली जावे, जैसे मगरमच्छ के हाथ वैसे ननदुलिया के दांत, मैं तो तोड़ूंगी जरूर चाहे जान चली जावे। सासू लड़ूंगी जरूर चाहे जान चली जावे, जैसे बंदर की सी पूछ वैसे ससुर जी की मूछ, मैं तो काटूंगी जरूर चाहे जान चली जावे। सासू लाड़ूंगी जरूर चाहे जान चली जावे, जैसे गोल टमाटर लाल वैसे सासू जी के गाल, मैं पिचकाऊंगी जरूर चाहे जान चली जावे। सासू लाड़ूंगी जरूर चाहे जान। सासू अम्मा नमस्ते, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ बेटा कैसी है? बुखार आ रही है। कैसे? सब बाद में, पहले तो ये बताओ आपने मेहंदी वाली को पैसे दे दिए? नहीं नहीं अभी नहीं देंगे, उसको 1 रुपया भी मत देना मम्मी, 3 दिन में मेहंदी हट गई मेरी। इन लोगों ने बोला था जब तक मेहंदी रहेगी ना तब तक बहू काम नहीं करती, मम्मी 4 दिन से रसोई में काम कर रही हूँ मैं, सारा काम करवा लिया इन्होंने मेरे से। बहू पहला झाड़ू लगाती है, बहू पहला पोछा लगाती है, टांड बहू साफ करती है, घर साफ करती है, संडास पहला बहू साफ करती है, मम्मी सारे काम कर रही हूँ मैं 4 दिन से। तुझे संभालना है? संभालती है, क्या संभालती है, इन्होंने मेरे से बोला था कि हमारे घर में हर काम के लिए नौकर चाकर है, मम्मी सबको छुट्टी दे दी इन्होंने मेरे आने के बाद, और हर काम करना है तो साड़ी पहन के करना है, मम्मी संडास भी साफ करने जाती हूँ ना मैं, मोटी मोटी साड़ियाँ पहन के जाती हूँ मैं, इसलिए बुखार आ गया, मेरे को नहीं रहना है यहाँ पे, मैं आ रही हूँ बेटा, ऐसे बोल, आ रही हूँ। सास तो ऐसी होनी चाहिए जो पूछे बेटा नेट पैक है या मैं रिचार्ज करा दूँ।